और एक हिस्सा जाएगा गया मुर्गिया के लिए और एक हिस्सा जाएगा यहाँ के लिए सवा तक से किया जा रहा है। देख लिए पानी आएगा यहाँ जाएगा और यहीं से सारा पानी सभी भर लिया। चार जगहों का कर अब ये सब देखिएगा कितना अच्छा लगेगा। इसमें जितने सरकारी जगह है उसमें भी लोगों का अपना घर भी और कोई होटल है कहीं भी सब जगह जाएगा। अस्पताल में हर जगह पानी का ब्लड वाटर तो आप रोड वाटर आप समझ लीजिए चार महीना तो लड़े रहता है। हम उसी दिन पे पानी यहाँ पर स्टोर करके रखते हैं और सब बारहों महीना चलेगा कोई दिक्कत नहीं। तो सब हम लोग असेसमेंट कर लिए और उसी के आधार पर चलो अभी तो तीन जगह हो जाएगा। आज यहाँ शुरू हो गया कल गया बोध गया और कुछ महीना के बाद राजगीर यहाँ बदला। अभी आपने पीने का पानी का किया है जल्द ही आप लोग कब इरिगेशन पे इसका इरिगेशन तो बाकी चीज़ों से स्वाभाविक हो जाएगा ना। तो जब लोग नीचे से पानी लेकर के उपयोग नहीं करेंगे तो वाटर लेवल ठीक हो जाएगा। वाटर लेवल ठीक हो जाएगा तो फिर आप समझिए कि लोगों को सिंचाई वगैरह में बड़ी सुविधा हो जाएगी। और एक व्यक्ति को 135 लीटर पर डे एक व्यक्ति पर है आपसे यानी पांच परिवार है तो कितना होता है 2051 तक इसीलिए पहुँच गया उसमें हर तरह के काम में मैंने पानी पीने के लिए नहाने के लिए खाना बनाने के लिए कपड़ा साफ करने के लिए घर को साफ करने के लिए। जरा संत का जो अखाड़ा है वो नोन है बहुत लोग देखने आते हैं। अब ये जरा संत का जो अखाड़ा है तो ये तो एएसआई का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास है। हम जब जाते हैं तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे को कहते हैं कि भाई इसका ठीक ठाक रहना चाहिए और हम लोग बचपन से नहीं जाते थे वहां। अभी कभी आते हैं तो देखते हैं तो हमने कहा कि भाई आप अगर ठीक से इसको नहीं कर रहे हैं तो हम ही लोगों को दे दीजिए राज्य सरकार कर देगी भाई आपकी अधिक हम ही कर देंगे लेकिन मानता ही नहीं कुछ करता ही नहीं। हमको बड़ा दुख है कि हमने सोच लिया कि जरा संघ का अखाड़ा तो है ही लेकिन जरा संघ के अखाड़ा के अतिरिक्त हम लोग उसके आस पास में जो जमीन है अपना सरकारी वहीं पर हम लोग जरा संघ स्मारक बनवा देंगे। एक काम हमारे घर पे और राजगीर का जितना इतिहास है शुरू से लेकर के सब चीजों को तो एक ही चीज बचा गया। हम लोग सोच रहे थे जरा संत का खड़ा को ठीक करे नहीं कर रहा है पूरा तो हम लोग उसके बगल में एकदम बिल्कुल जरा संत स्मारक बनवा देंगे ताकि जो बच्चे बच्चियां जितने लोग हैं सब घूमेंगे देखेंगे सब खूब अच्छा बनवाएंगे। और हमने कह दिया अभी और डीएम वगैरह यहाँ पर मौजूद है भाई जो मेरे प्रभारी सचिव यहाँ के इंचार्ज है इस सब चीज को देख लीजिए और आप लोग आज ही देख सकते अंतिम रूप से समय निर्धारित कर लीजिए जो जगह और आपको भी कह रहे हैं गोपाल जी समझ गए ना कल तक जाएंगे ना हमको फिर यहाँ से लेकिन अगर सुबह बताइएगा कि हम तय कर लीजिए तो हम जरा सवेरे भी देख लेंगे कि भाई क्या हुआ। जरा संत का जो अखाड़ा है यहाँ